नमस्ते आदाब, मैं हूं दिव्यांशी और आप देख रहे हैं मैटिनी शो। मैटिनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है स्पॉटलाइट। तो जी, नए साल पर एक हादसा हुआ। हमारे संपादक यानी सौरभ द्विवेदी यूट्यूब छान रहे थे। अपनी खान से यूट्यूब ने उनके सामने एक बड़ा शानदार वीडियो लापटका। ये वीडियो था चटनी सुंदर रसिका दीनदयाल का। अब क्यूरोसिटी का कोई इलाज तो है नहीं, इसने दिमाग में झट से सवाल दाग दिया, ये चटनी सिंगर क्या होता है, इलू इलू क्या है के बाद सिनेमा के क्षेत्र का सबसे बड़ा सवाल मानकर हमने इसके ऊपर रिसर्च शुरू की। उससे जो हमें पता चला वो हम सौरभ द्विवेदी के साथ साथ आपके सामने भी बघाड़ने आ गए हैं। पीएस, हमने उनके यूट्यूब का ऑटो प्ले बटन बंद कर दिया है। से 1917 के बीच इंडिया में राज कर रहे ब्रिटिशर्स ने लोन न चुका पाने वालों से वसूली का एक तरीका ईजाद किया। उनसे फ्री में काम करवाते थे दुनिया के किसी भी हिस्से में। कुछ समय तक काम करवाने के बाद उन्हें इंडिया ले जाने के लिए फ्री कर दिया जाता था। इसी तरीके के तहत बिहार और यूपी से भारी संख्या में लोग कैरेबियन देशों में भेजे गए, हाँ, गन्ने के खेतों में काम करने के लिए। वहाँ पहले से कई अफ्रीकी स्लेव्स काम कर रहे थे। दो अलग अलग कल्चर और भाषा वाले लोग मिले। हिंदुस्तानी महिलाएं शाम को अपने घरों में ढोलक, हारमोनियम और धंतर जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ धार्मिक गीत गाती थी। अफ्रीकियों को वो भाषा तो समझ नहीं आती, मगर ये सब उन्हें अच्छा लगता। धीरे धीरे दोनों कम्युनिटीज ने घुलना मिलना शुरू किया। कैरेबियन संगीत विधा कैलिप्सो के साथ भोजपुरी गीतों का फ्यूजन हुआ। इससे एक नई शैली बनी जिसे चटनी म्यूजिक कहा जाता है। तमाम आर्टिकल्स और राइटअप्स में इस म्यूजिक विधा के नाम के पीछे की एक ही कहानी दोहराई जाती है, वो ये कि चटनी म्यूजिक के गाने अप टेम्पो यानी तेज गति के होते हैं, जिसे डांस म्यूजिक भी कह सकते हैं। इसी वजह से पार्टी और स्नैक्स से जोड़कर इस शैली का नाम चटनी रख दिया गया। धीरे धीरे भगवान से जुड़े गीतों के अलावा नए तरह के गाने बनने शुरू हुए। बताया जाता है कि 1963 में गारफील्ड ब्लैकमैन नाम की म्यूजिशियन ने चटनी म्यूजिक के साथ फ्यूजन करके क्लॉक एंड डैगर नाम का गाना बनाया। वो गाना बड़ा पॉपुलर हुआ। ये पहली बार था जब चटनी म्यूजिक को एक अलग शैली के तौर पर बड़े लेवल पर पहचान मिली। मगर चटनी म्यूजिक में असली क्रांति 1968 के बाद आनी शुरू हुई। धीरे धीरे चटनी स्टाइल के गानों में गिटार और तासा जैसे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल शुरू हुआ। म्यूजिक बदला, लिरिक्स से भोजपुरी घटती चली गई। रामदेव चैतो समेत कई नए गवैये आए जिन्होंने खूब नाम कमाया। चटनी म्यूजिक की पॉपुलैरिटी को एक इमोशनल एंगल भी दिया जाता है। बताया जाता है कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो, सुरीनाम, गुयाना और जमैका जैसे जगहों पर लेबर के तौर पर गए कई भारतीयों ने वहीं सेटल होने का फैसला कर लिया। अफ्रीकी तो पहले से ही थे। कहा जाता है कि चटनी म्यूजिक उनके लिए उन शुरुआती चीज़ों में से था जिसे वो अपना कह सकते थे, इसलिए चटनी को इन जगहों पर खास चाव से सुना और अप्रिशिएट किया गया। हेमलता दीनदयाल, जिन्हें पब्लिक हरिकेन हेमलता बुलाती है, उनका मानना है कि आजकल चटनी म्यूजिक में इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक का ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है और भोजपुरी शब्द गायब हो गए हैं, जबकि चटनी म्यूजिक की बुनियाद ही भोजपुरी भाषा और ढोलक हारमोनियम जैसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कहने का मतलब, आर्ट गायब हो गया, सिर्फ कॉमर्स बचा है। भोजपुरी भाषा के जो लिरिक्स गानों में इस्तेमाल होते थे वो कई बार डबल मीनिंग वाले होते थे, मगर पते की बात ये कि लिरिक्स को अपनी धुनों पर फिट करने वाले सिंगर्स और म्यूजिक कंपोजर्स को ये भाषा समझ ही नहीं आती थी। scroll.in को दिए एक इंटरव्यू में खुद रसिका दीनदयाल अपने ब्लॉकबस्टर गाने मट्टी को नाइट की दो भोजपुरी लाइनें सुनाकर कहती हैं कि उन्हें इसका अर्थ नहीं पता। उन्होंने ये गाना सिर्फ इसलिए गाया क्योंकि सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। चटनी गानों से भोजपुरी शब्दों के गायब होने के पीछे एक दिलचस्प वजह बताई जाती है। कहा जाता है कि जब कनाडा के मिशनरी स्कूल्स कैरेबियन देशों में आए तो हर माँ बाप अपने बच्चे को गन्ने के खेत से निकालकर पढ़ाना चाहते थे। उन स्कूलों में पढ़ाई अंग्रेजी भाषा में होती थी और वहाँ के बच्चे लोकल लैंग्वेज क्रेओल में बात करते थे। बच्चों से बात करने के लिए घर के दूसरे भोजपुरी स्पीकिंग सदस्यों को भी क्रेओल या अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता। ऐसे उस सोसाइटी से भोजपुरी भाषा के तौर पर गायब होती चली गई। इस संगीत से भोजपुरी का गायब होने को इस विधा का पतन कहा जा रहा है। ये कितना सही और गलत है, इसका फैसला चटनी के श्रोता और हमारे दर्शक स्वयं करें। रसिका दीनदयाल मशहूर चटनी सिंगर रह चुकी हैं। उन्हें डीरानी ऑफ चटनी म्यूजिक के नाम से जाना जाता है।
उन्होंने अपने समय में कई चर्चित गीत गाए। YouTube पर उनके गानों के रीमास्टर्ड और रीमिक्स्ड वर्जन बहुतायत में मिल जाएंगे। अपनी फील्ड की लेजेंड हैं, मगर पिछले कुछ समय से रसिका कमर्शियल म्यूजिक से दूर हैं। इन दिनों उनकी बहन हेमलता हरिकेन दीनदयाल ने मार्केट में तूफान मचाया हुआ है। दीनदयाल फैमिली की सिर्फ यही दो सदस्य चटनी म्यूजिक या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं है। रसिका के पिता एक क्लासिकल और चटनी सिंगर थे। रसिका और हेमलता के भाई जयराम एक टीवी होस्ट हैं। उनकी बहन लिंडा रामायण और सत्संगों में हिस्सा लिया करती थी। कुछ समय पहले लिंडा की मौत हो गई। नेहा खान वलकर गैंग्स ऑफ वासेपुर की म्यूजिक डायरेक्टर थी। फिल्म की कहानी धनबाद और उसके आसपास में घटती है। धनबाद तब बिहार में हुआ करता था, इसलिए उस इलाके के भी ढेर सारे लोगों को कैरेबियन देशों में भेजा गया था, जो कभी वापस नहीं आए। ये बात स्नेहा को रिसर्च के दौरान पता चल चुकी थी। साथ ही वो अपने कॉलेज के दिनों से ही चटनी म्यूजिक सुनती आ रही थी, इसलिए उन्हें त्रिनिदाद एंड टोबैगो के म्यूजिक कल्चर के बारे में पता था। गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए वो ऐसा म्यूजिक चाहती थी जो धनबाद का लोकल लगने के साथ साथ सुनने में नया भी लगे। वो त्रिनिदाद एंड टोबैगो पहुंची और म्यूजिशंस के साथ समय बिताने लगी। वो कुछ गानों के लिरिक्स अपने साथ ले गई थी। स्नेहा म्यूजिक कंपोज करने के बाद किसी चटनी सिंगर से ही अपनी फिल्म का गाना गवाना चाहती थी। कई लोगों से सलाह मशवरा के बाद दो नाम कॉमन पाए गए, रसिका दीनदयाल और विदेश सुखू। फिल्म के गाने इलेक्ट्रिक पिया गाने के लिए रसिका दीनदयाल को बुलाया गया। रसिका आई, उन्होंने कागज़ पर लिखे गाने के बोल पढ़ने शुरू किए, मगर आधा गाना पढ़ने के बाद ही उन्होंने कहा कि वो ये गाना नहीं गा सकती क्योंकि इसमें गालियां हैं। गाने की वो लाइन थी, माई लवलेस एंड लकलेस एंड स्क्रूड अप पिया। बाद में उन्हें आखिरी शब्द को कई बार दोहराना था, उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद स्नेहा ने बॉम्बे में बैठे लिरिसिस्ट वरुण ग्रोवर को फोन मिलाया। दोनों की सहमति से उस शब्द को बदलकर मेस्ड अप कर दिया गया। तब जाकर रसिका ने गाना गाया। फिल्म के दूसरे गाने हंटर में हमें दूसरे पॉपुलर चटनी सिंगर विदेश सुखू की आवाज़ सुनाई देती है। कैरेबियन कंट्रीज में हर साल चटनी सोका मोनार्क कॉम्पिटिशन होता है। अपनी तरह का दुनिया का इकलौता इंडो कैरेबियन कॉन्सर्ट है। यहाँ दुनिया के तमाम चटनी सिंगर्स आते हैं, इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते हैं। जाते जाते हम आपको बताते हैं उन 5 चटनी सिंगर्स के बारे में जिन्हें आपको सुनना चाहिए। अपनी इस लिस्ट से हम रसिका और हेमलता को बाहर रखेंगे क्योंकि उनकी बात हो चुकी है। हमारी लिस्ट में पहला नाम है रामदेव चैतो का। रामदेव चटनी विधा के सब जॉनर बैठक गाना की शुरुआत करने वाले माने जाते हैं। रामदेव ने 1976 में द स्टार मेलेडीज ऑफ रामदेव चैतो नाम का एल्बम निकाला था, जिसने उन्हें खूब सारा एक्सपोजर दिया। बताया जाता है कि वो भारतीय मूल के शास्त्री शिव प्रसाद चैतो के बेटे थे। पिताजी गाने लिखते और हारमोनियम बजाते थे, इसलिए कम उम्र से ही रामदेव को संगीत सीखने का मौका मिला। मगर रामदेव कभी म्यूजिक को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते थे। बताया जाता है कि एक बार हुई मारपीट के बाद रामदेव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। रामदेव ने जेल से ही अपना सिंगिंग करियर शुरू किया था। रामदेव ने जेल से निकलने के बाद अपना खुद का एल्बम निकाला, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। उस एल्बम में अधिकतर देवी देवताओं से जुड़े गीत थे, साथ में कुछ पूर्वांचल भोजपुरी और अवध साइड के लोकगीत भी थे। उनकी वजह से चटनी म्यूजिक दुनिया भर में जानी गई। वेस्ट इंडीज से लेकर यूरोप और न्यूयॉर्क तक में उनके शोज हुआ करते थे। दूसरा नाम है सुंदर पोपो का। सुंदर को फादर ऑफ चटनी म्यूजिक कहा जाता है। वो बड़ी आर्टिस्टिक फैमिली में पैदा हुए थे। उनकी माँ गाती थी और पिता सम्मानित तासा वादक थे। सुंदर ने 15 साल की उम्र से मंदिरों में भजन गाना शुरू कर दिया था। जब पैसे की ज़रूरत बढ़ गई तो एक फैक्ट्री में वॉचमैन की नौकरी करने लगे। एक बार शादी के दौरान उनकी मुलाकात एक रेडियो होस्ट से हुई। सुंदर ने उस होस्ट को अपना बनाया गाना नाना एंड नानी सुनाया। ये लोकल लैंग्वेज में लिखा गया गाना था, जिसमें हिंदी और त्रिनिदादियन दोनों तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। इस गाने में सुंदर ने बड़े दिलचस्प तरीके से अपने नाना नानी की दिनचर्या बताई थी। रेडियो होस्ट साहब ने अपनी पहुंच लगाकर कुछ लोगों को बुलाया और सुंदर का ये गाना रिकॉर्ड करवाया। 1969 में रिलीज हुए नाना नानी नाम के इस गाने ने चटनी संगीत में क्रांति ला दी। आगे सुंदर ने ही फुलौरी बिन चटनी जैसे सुपरहिट गाने समेत 50 गाने गाए। तीसरा नाम है द्रुपती रमगुनाई। द्रुपती को इंडो कैरेबियन म्यूजिक में चटनी सोका टर्म लॉन्च करने के लिए जाना जाता है। सोका यानी कैलिप्सो म्यूजिक का शुद्ध वर्जन। सोल ऑफ कैलिप्सो को शॉर्ट में सोका कहा जाता है। द्रुपती ने 1987 में अपना चटनी और सोका विधाओं का क्रॉसओवर करके अपना पहला गाना लॉन्च किया, जिसका नाम था चटनी सोका। उनके इस एल्बम ने चटनी म्यूजिक को कमर्शलाइज कर दिया। आगे उन्होंने
रोल अब द तासा और हॉटर देन अ चूला समेत कई हिट गाने गाए। उन्होंने 2016 में मशहूर कैरेबियन डिजिटल म्यूजिक लेबल फॉक्स फ्यूज के साथ एक अग्रीमेंट साइन की। इस अग्रीमेंट के मुताबिक फॉक्स फ्यूज द्रुपति के गाए गानों को दुनिया भर की जनता के लिए ऑनलाइन अवेलेबल करवाएगा। सोनी मान। द्रुपति के बाद सोनी वो पहले आर्टिस्ट थे जिन्होंने चटनी सोका विधा में इतनी सफलता हासिल की। 1994 में उनका एल्बम आया जिसका नाम था सोका चटनी। इसे इंडो कैरेबियन म्यूजिक इतिहास का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम माना गया। इस एल्बम के गाने सिर्फ कैरेबियन देशों में ही नहीं, अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड जैसे बड़े और विकसित देशों के म्यूजिक चार्ट्स पर भी तूफान मचा रहे थे। आगे सोनी ने लोटलल और रोल भौजी नाम के गाने बनाए जिनके लिरिक्स फूहड़ होने के बावजूद गानों को खूब पसंद किया गया। इसकी वजह यह हो सकती है कि भोजपुरी में लिखे गए उस गाने के लिरिक्स पब्लिक की समझ में ही ना आए हों, ठीक वैसे जैसे रसिका दीनदयाल ने बताया था। पांचवा नाम है राकेश यंकारन का। राकेश को दिग्गज चटनी म्यूजिक आर्टिस्ट में गिना जाता है। उनकी फैमिली इंडिया के आंध्र प्रदेश से त्रिनिदाद एंड टोबैगो लाई गई थी गन्ने के खेतों में काम करवाने के लिए। उनके पिता आइजक यंकारन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में पारंगत थे। राकेश के भाइयों आनंद और सुरेश ने भी संगीत को ही करियर बनाया। राकेश बचपन से अपने भाइयों और पिता को देखकर म्यूजिक सीखा करते थे। उन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर 1974 में शुरू किया था मगर उन्हें सफलता मिली 1991 में। इस साल उन्होंने अपना गाना ददिया मोड़े लेले रिलीज किया जो बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। उन्होंने चटनी म्यूजिक से जुड़े कई बड़ी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और एक से ज्यादा बार जीता भी। वो अब भी चटनी म्यूजिक की फील्ड में एक्टिव हैं। मारिनी शो के आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।